आइए अब नजर डालते हैं इसी की सुपर फास्ट बुलेटिन की ओर। इंदौर सांप तस्कर पुलिस के गिरफ्त में 5 किलो वजन के 2 मुहा सांप बरामद। 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लगभग 50 लाख सांप की कीमत आकी। नैनवा राजस्थान, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। 8 साल तक किया युवती का शोषण। नैनवा थाने पहुंची युवती, आरोपी पर प्रकरण दर्ज। इंदौर क्राइम ब्रांच और हीरानगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। आरोपियों से 3 2-पहिया वाहन बरामद। 2 नाबालिग सहित 1 अन्य चोर गिरफ्तार। शौक पूरा करने के लिए करते थे चोरी। मुरैना 15 नवंबर से नहीं खुली आंगनवाड़ी। सरकार ने दी है आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की अनुमति। ग्रामीणों ने रखा आरोप, पोषण आहार का नहीं किया जा रहा वितरण। इंदौर पुलिस का प्रयास, परिवार टूटने से बचा। फांसी लगा रही थी युवती को बचाया। पुलिस की तत्परता से टली घटना। पलासिया थाना क्षेत्र का मामला। इंदौर 30 वर्ष से लड़ रहे अपने हक की लड़ाई, अब तक नहीं मिला मजदूरों को हक। हक की मांग, मजदूरों का आंदोलन शुरू। मुख्यमंत्री से लगा रहे गुहार। नागदा में हुआ सड़क हादसा, ट्रैक्टर और बाइक के भिड़ंत। 3 की मौत, 1 घायल। बीती रात हुआ था हादसा। बेटमा कॉलोनी के सपने दिखाकर की लूट, धन गया लेकिन नहीं मिला घर। कॉलोनाइजर के खिलाफ शिकायत, आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। छिंदवाड़ा चैंपियनशिप का हुआ समापन, खिलाड़ी को वितरित किया गया पुरस्कार। राज्य स्तरीय चैंपियनशिप का था आयोजन, टीवी के मशहूर एक्टर हुए थे शामिल। कुरई ट्रकों से डीजल चोरी की घटनाएं बड़ी, कुरई बाईपास पर होता है चोरी का धंधा। 26,000 रुपए का डीजल हुआ चोरी। उज्जैन से सतना जा रहा था गेहूं से भरा ट्रक। उज्जैन दर्शन बस का शुभारंभ, उच्च शिक्षा मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। स्थानीय सांसद सहित मंदिर प्रशासन मौजूद, दर्शनार्थियों को मिलेगी सुविधा। इंदौर खाली मैदान पर मिला युवती का अधजला शव, दुपट्टे से बंधा था युवती का गला। हत्या की जताई जा रही आशंका, खचराना बाईपास चौराहे पर मिला शव। इंदौर नहीं खत्म हुआ कोरोना का संक्रमण, फिर से पैर पसार रहा कोरोना। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता, अभिभावकों की सहमति से संचालित होगी कक्षाएं। इंदौर जेडीए ने सरकार से रखी मांग, डॉक्टरों की कमी दूर करने की मांग। 6 जनवरी को न्यायालय में होगी सुनवाई, डॉक्टरों ने की सरकार को जगाने की कोशिश। इंदौर हवा में सुधार किए जा रहे, नित नए प्रयास। सीएनजी में बदले जा रहे लोडिंग वाहन, सीएनजी बसों की संख्या बढ़ाने की योजना। शहर में जल्द दौड़ेगी 200 सीएनजी बस। खंडवा देशभक्ति के जगाई अलग, शहर में निकाला मशाल मार्च। शहीदों को अर्पित की गई श्रद्धांजलि, देशभक्ति के नारे से गूंज उठी सड़कें। धार पैरा बैडमिंटन में किस्मत आजमा रहा राहुल, गोली लगने के बाद काटना पड़ा था हाथ। पैरा बैडमिंटन चैंपियन बनना है उसका लक्ष्य, धार में ट्रेनिंग जारी। सतना में कोरोना संक्रमण ने बढ़ाई चिंता, 5 माह बाद मिला कोरोना संक्रमित। उड़ीसा में से मेहर आया था संक्रमित, जिला अस्पताल में उपचार जारी। आष्टा दिवाली मिलन समारोह आयोजित, अखंड ब्राह्मण समाज का आयोजन। समाज सेवियों का किया सम्मान, प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। आष्टा लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं का विरोध, व्यापारिक सामाजिक संगठनों ने जताया विरोध। सीएम ने नाम के नाम सौंपा ज्ञापन, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। इंदौर टिप्पणी का विरोध लगातार जारी, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, पद से बर्खास्त करने की मांग की गई है। उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जबलपुर शासकीय कर्मचारियों की मौन रैली, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने निकाली रैली। विभिन्न मांगों को लेकर निकाली गई रैली, सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। इंदौर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पहुंची कलेक्टर, शासकीय कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग की। अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भोपाल एशियन भारत के साथ उद्योग मंत्री की खास बातचीत, राजवर्धन सिंह दतिगांव ने दी बैठक की जानकारी। 40% से ज्यादा की ग्रोथ का किया दावा, कहा संगठन और सरकार एक दूसरे के पूरक। इंदौर धोखाधड़ी का मामला, बकेर बिल के बेचे कपड़े, आरोपी की तलाश जारी। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का मामला। इंदौर डीएवीवी में धरना प्रदर्शन पर रोक, बिना अनुमति के नहीं किए जा सकेंगे प्रदर्शन। एनएसयूआई ने डीएवीवी परिसर में किया हंगामा, कहा प्रदेश सरकार तानाशाही कर रही। जबेरा ग्राम रोड पहुंचे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज, हजारों लोगों ने की अगवानी। आचार्य श्री ने दिया कुरु मंत्र, ग्राम परसवाहा में भी होगी आचार्य श्री की अगवानी। बिना के कुरई रोड पर हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी बाइक, बाइक चालक हुआ घायल, घायल को सागर किया गया रेफर। भोपाल एशियन भारत के साथ स्वास्थ्य मंत्री की बातचीत, नए वेरियंट के खतरे को लेकर सरकार अलर्ट, संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रयास जारी। मुख्यमंत्री ने आपात बैठक में दिए निर्देश। विजयपुर खिलाड़ी जितेंद्र धाकड़ की एशियन भारत से चर्चा, धाकड़ ने रोशन किया मध्य प्रदेश में नाम। भाला फेंक प्रतियोगिता में जीता रजत पदक, भारतीय खेल फाउंडेशन ने आयोजित की थी प्रतियोगिता। इंदौर अर्धवार्षिक परीक्षाओं का हुआ आयोजन, 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की परीक्षा। परीक्षा केंद्रों में की गई व्यवस्थाएं, कोरोना के मद्देनजर किए गए इंतजाम। बिना चलती बाइक से गिरा व्यक्ति, गंभीर रूप से हुआ घायल, घायल का उपचार जारी। खिमलासा थाना क्षेत्र का मामला।
सरदारपुर करियर काउंसलिंग आयोजित में कई छात्राएं हुए शामिल। करियर संबंधी जानकारी दी गई, छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। भोपाल बीजेपी कार्यालय में बैठक के बाद वीडी शर्मा का बयान। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने ली बैठक। शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों की हुई बैठक। सरकार और संगठन का बने बेहतर तालमेल। दमोह बच्चे के साथ नदी में गिरा शख्स, मासूम की मौत। पिता का उपचार जारी। रेलवे पुल पार करते समय हुआ हादसा। मंदसौर सड़कों की हालत खराब, व्यापारी हो रहे परेशान। सड़क निर्माण करने की मांग, शिकायत के बाद भी कोई निराकरण नहीं। चंदौर धोखाधड़ी का मामला, सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार। 6,70,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की विजयनगर पुलिस की कार्रवाई। भोपाल सीएम शिवराज ने बेलगाम मंत्री बीएल संतोष के लकाई फटकार। बैठक में नहीं पहुंचे थे कई मंत्री, वीडी शर्मा ने दिया गोलमोल जवाब। इंदौर संदिग्ध शव मिला, सर पर मिले चोट के निशान। मामले की जांच जारी, सराफा थाना क्षेत्र का मामला। इंदौर सोने मकान में चोरी, 3 चोरों ने की चोरी। आभूषण और नकदी लेकर चोर फरार, राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का मामला। भोपाल राजा बुंदेला की एशियन भारत से चर्चा। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष बुंदेला, खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तैयारियां जारी। अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा फेस्टिवल। जबेरा नोएडा थाना क्षेत्र पहुंचे आचार्य श्री, थाना प्रभारी ने की अगवानी। आचार्य श्री के साथ पैदल विहार किया, आचार्य श्री ने दिया आशीर्वाद। महू वरिष्ठ समाजसेवी दीपक जाजू ने की आत्महत्या। बीमारी से थे परेशान, दिल का हुआ था ऑपरेशन। हानिया खेड़ी रेलवे स्टेशन पर की आत्महत्या। फिलहाल सुपरफास्ट बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए एशियन भारत के साथ।